नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20, 21 और 22 नवंबर के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अष्टमी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, उसी के साथ बात करते हैं यश में। घरों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का शराब की राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे वर्तित होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 20 नवंबर की बात करें तो शनिवार का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि होगी और रोहिणी नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, दिन योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन शिव नाम के शुभ के उपरांत शुरुआत सिद्धि नाम का शुभ रहेगा और राहु काल का समय सुबह के 9:30 से लेकर सुबह के 10:51 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यह राहु काल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा इस दिन वृषभ राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो दोस्तों रविवार का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, रोहिणी नक्षत्र और श्रादी नाम का शुभ योग रहेगा। दोस्तों, दिन राहु काल के समय शाम के 4:15 से लेकर शाम के 5:36 रहेगा और चंद्रमा वृषभ के उपरांत मिथुन में गोचर कर जाएंगे। वही दोस्तों, अगले दिन 22 नवंबर की बात करें तो सोमवार का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि, वृषभ नाम का नक्षत्र और दोस्तों ये दिन शुभ नाम का शुभ योग रहेगा। यह दोस्तों, यह योग भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। राहु काल के समय सुबह के 8:10 से लेकर सुबह के 9:30 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा ये दिन भी मिथुन राशि पर संचार करेंगे। तो आए दोस्तों, बात करते हैं इन तीनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि के लिए क्या क्या प्रभावशाली स्थितियाँ लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में माता पिता से संबंध तथा माता पिता से सहयोग जो है समय के अनुसार प्राप्त होगा। वही दोस्तों, यश में इष्ट मित्रों का भी सहयोग आपको समय के अनुसार प्राप्त होगा तथा धन अचल संपत्ति प्राप्ति के लिए जो भी आपके प्रयास हैं यश में सफल हो सकते हैं। सगे संबंधियों से जो है संबंध आपका यश में अच्छा रहने की संभावना है। वही दोस्तों, नेगेटिव की अगर बात करें तो आपको शारीरिक व मानसिक तौर पर तनाव महसूस हो सकता है, आप मानसिक तौर पर बेचैन महसूस करेंगे। इसका प्रभाव जो है आपके करियर व फिर परीक्षा संबंधी मामलों पर पड़ सकता है। दोस्तों, यश में केतु जो है आपको प्रभावित करेंगे, आपको वित्तीय नुकसान भी यश में सहना पड़ सकता है। दोस्तों, इन दिनों में आपका जो है पूरा फोकस अपने लक्ष्यों पर आपको रखना होगा, थोड़ी भी चूक आपको भारी नुकसान दे सकती है। दोस्तों, आपको कुछ मामलों में अपने बॉस से तारीफ भी इसमें मिलेगी। अपनी बात रखने और अपने आइडिया शेयर करने की आपकी कुशलता का आपको बहुत अच्छा फायदा भी इसमें मिलेगा। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो आपको यश में नौकरी में अपनी जिम्मेदारी के प्रति जो है सावधान रहना होगा, लापरवाही आपको अपमानित भी करा सकती है। दोस्तों, इन चीज़ों का आप यश में ध्यान रखें। दोस्तों, यश में आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने कार्य व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त करने की कोशिश करें, जिससे जो है आपको समय के अनुसार अच्छी कामयाबी भी यश में प्राप्त हो सके। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों विवाह में विलंब होगा, प्रेम संबंधों में औपचारिकता रहेगी। दोस्तों, यश में वैवाहिक जीवन की परेशानी बनी रहेगी, सामंजस्य बनाकर चलने का आप यश में प्रयास करें। वैवाहिक जीवन कुछ असंतोष के साथ सुखद भी बनाए रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में ये जो समय है आप रोमांस के मूड में भी यश में रहेंगे, जीवन साथी को सरप्राइज देने के लिए भी यह समय जो है अनुकूल रहेगा। दोस्तों, यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो आपको सेहत का पूरा साथ यश में मिलेगा, समय आपको कई तरह से हेल्थ में सुधार करने के मौके भी यश में देगा। दोस्तों, यदि आपको जो मधुमेह की बीमारी है तो यश में आप सावधानियाँ बरतें। वही दोस्तों, इन दिनों में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा सिल्वर और भाग्यशाली अंक जो है वो रहेगा 2। वही दोस्तों, यश में आपको अपने उग्र मिजाज और वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता भी होगी। नए कार्य या फिर नए आयोजन हाथ में लेने के लिए ये जो दिन है आपके लिए अनुकूल नहीं है।
दोस्तों यशमय क्रोधावेश में वाणी पर स्वयं न रहने से आप जो है अन्य लोगों की भावनाओं को चोट भी पहुंचा सकते हैं तथा उसका प्रभाव आपके संबंधों पर भी पड़ेगा। दोस्तों यशमय मन शांत रखने के लिए प्रार्थना, योग, ध्यान जैसे विषय सहायक होंगे आपके लिए। अर्थात दोस्तों ये दिन है आप सावधानीपूर्वक व्यतीत करने जैसा रहेगा। वहीं दोस्तों यशमय अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय दैनिक दिनचर्या आपको जो है व्यस्त रखेगी। यशमय आप व्यस्त रह सकते हैं, हो सकता है आप कारोबार में यशमय व्यस्त रहें, बहुत सारा काम आपके पास हो सकता है। दोस्तों यशमय प्रमुख परियोजना के जो बारे में आप महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं, इसकी ज़रूरत भी होगी। दोस्तों आसपास के जो लोग हैं आप पर निर्भर भी रहेंगे यशमय, इसलिए दोस्तों किसी भी निष्कर्ष पर आप आने से पहले मामले की पूरी तरह जांच कर लें, उसके बाद ही उस पर काम करें। दोस्तों गणेश जी का सुझाव है कि आप सही समय पर सही बात कहें। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन को लेकर बात करें तो गणेश जी का विचार है कि दिल के मामले में आप होशियार रहना बेहतर रहेगा। दोस्तों गणेश जी कहते हैं कि यदि आप सदा बाहर खुशी का आनंद लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपने शब्दों में सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता होगी। दोस्तों एक बार अपने पीर की जीवन शैली को समझ जाने से आपका जो प्रेम जीवन है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों यशमय आप अपने वित्तीय फैसले को एकाएक नहीं लेंगे, अप्रत्याशित व्यय की अधिक संभावना रहेगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में मानसिक संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपकी जो मनोदशा है उसमें यशमय फर्क आ सकता है, आप ठोस निर्णय लेकर अपनी बुरी आदतों से छुटकारा यशमय पा सकते हैं। दोस्तों यशमय उन भावनाओं को पहचाने जो आपको प्रेरित करती है, डर, शंका और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ें दोस्तों, क्योंकि ये विचार जो है उन चीज़ों को आकर्षित करते हैं जो आप नहीं चाहते हैं। दोस्तों यशमय आप अपने घर के वरिष्ठ जनों से पैसे की बचत करने को लेकर कोई सलाह भी ले सकते हैं और दोस्तों उस सलाह को जिंदगी में जगह भी दे सकते हैं। दोस्तों यशमय अपने बच्चों को अपने उदार बर्ताव का बेचा फायदा न उठाने दें। दोस्तों यशमय जो आपकी ऊर्जा का स्तर है ऊंचा रहेगा, क्योंकि आपकी पीढ़ी अपने लिए बहुत सारी खुशियों की वजह साबित होगा। ये जो दिन है दोस्तों आपका हालात जो है बेहतर होते हुए आप यशमय महसूस करेंगे कि आपका जो हालात है पहले के तौर पर अभी कुछ अच्छी हो गई है। दोस्तों जिंदगी का स्वाद जो है स्वादिष्ट भोजन करने में ही है, यह बात यशमय आपके जीवन पर आ सकती है क्योंकि आपके घर में यशमय स्वादिष्ट भोजन भी बन सकेंगे। दोस्तों यशमय आप सफ़ेद संगमरमरी पत्थर पर सफ़ेद चंदन लगाकर जल प्रवाहित करने से आपका जो पारिवारिक जीवन है यशमय और भी बेहतरीन रहेगा। दोस्तों यशमय आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों में होली का दिन रहने वाले हैं, तो दोस्तों इन दिनों में होली का बहुत ही अच्छे उपाय होते हैं, बहुत ही शुभ दिन है, तो दोस्तों ऐसे में आपको होली के दिन जो है कुछ उपायों को जरूर करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि होली के दिन से शुरू करके आप प्रतिदिन हनुमान जी को 5 पुष्प चढ़ाएं, आपकी मनोकामनाएं जो भी है शीघ्र ही पूर्ण होगी। होली की प्रातः बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन की बिंदी लगाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पित करें। बाद में सोमवार को किसी मंदिर में भोलेनाथ को पंचमेवा की खीर अवश्य चढ़ाएं, आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होंगी। तो दोस्तों इन दिनों में आप उपायों को जरूर करें, ये बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है। और साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।